आप पूछेंगे भाई जी ये करने से पहले किए हुए पाप मिटेगा? नहीं, उसके लिए 5 गोली खानी चाहिए। ये अभी मेरे से विकर्म ना हो, प्रिकॉशन अभी नहीं होना चाहिए। किसी को देखते ही अब नहीं हो उसके लिए बचाओ। तो ये एक गुण, पहले किया हुआ पाप है जो बताया आपको, रात को सोते हो स्वप्नों में दिखाई देता है, क्या उसको मिटा सकते हो? हाँ, उसके लिए शिव बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, उसका नाम है पाप कटेश्वर। वो कौन सा ईश्वर है? पाप मिटाने वाला। लेकिन उसके लिए 5 गोली खानी चाहिए। खाना चाहते हो कि नहीं? भारी होगा, खाना चाहते हो? खाएंगे कि भूल जाएंगे? वो भी सहज है, कोई मेहनत नहीं। देखो भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़। तो यहां भी आप शरीर के पास 2 हाथ है, आत्मा को भी 2 हाथ है। पता है 2 हाथ कौन से है? आत्मा को 2 हाथ है, शरीर को तो 2 हाथ है, आत्मा को 2 हाथ है कि 1 हाथ है? 2 हाथ है। कौन सा है वो? एक मन और एक बुद्धि। शरीर को नमस्ते एक हाथ से नमस्ते नहीं कर, 2 हाथ भारत में है ना। ऐसे आत्मा को 2 हाथ है, एक है मन एक है बुद्धि। ये मन बुद्धि को एक करो, पढ़ाई में लगाओ सारी पढ़ाई याद रहेंगी, बिजनेस में लगाओ सारा बिजनेस, खाना जो भी काम करते हो वो काम कभी भी खाने में नमक ज्यादा कम नहीं होगा, एक्यूरेट। भगवान में लगाओ तो उसकी शक्ति ग्रहण कर सकते, उसको कहते हैं कर्मेशु कौशल, परफेक्शन इन प्रोफेशन। आपका कोई भी काम करो कभी भी गलत नहीं होगा, उसको कहते हैं मन बुद्धि एकाग्रता। एकाग्रता के द्वारा विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का, एकाग्रता के द्वारा कर्मों में शुद्धता ला सकते, श्रेष्ठ कर्म कर सकते। ये